हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस। चलिए देखते हैं एक बच्चा का जो कि डाउट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश मीडियम 10th क्लास का है। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ए बाई ए टू, बी बाई बी टू एंड सी बाई सी टू, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं संगत और इसको बोलते हैं असंगत। ठीक है, हमें इसी को देखना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें से उस बच्चे का जो नंबर है वो आपका 3 नंबर डाउट है। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन एक यहाँ से होगा और दूसरा इक्वेशन ये है, तो पहले हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको फ्रैक्शन का भी ऐड की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा इक्वेशन हम लोग इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए थोड़ा इसको अब करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3/2x + 5/3y = 7, यही है क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 होगा। उसके बाद आपको एलसीएम करने आता है, ये इसे इसको डिवाइड करते हैं, तो आपको आई थिंक कि आपको फ्रैक्शन का ऐड आता होगा, हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, = 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इसको इधर ले जाकर हम लोग करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x + 10y = 42। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन वन। ठीक है, और इक्वेशन टू आपको दिया था, जैसे कि देख लेते हैं इक्वेशन टू क्या दिया था हम लोग, इक्वेशन टू यहाँ पर है 9x - 10y = 14, ये हमारा इक्वेशन दे दिया। ठीक है, इक्वेशन टू है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, अब हमें इसका अनुपात यानी रेशियो निकालना है। चलिए रेशियो निकालते हैं, चलिए a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। देखते हैं a1 में 9 है, = 9 है, फिर इसको इक्वल का चिन्ह देंगे, ऊपर में 10 है, नीचे भी 10 है। ठीक है, बट ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऊपर 10 है, नीचे भी हमें क्या मिला दिखाई दे रहा है, 10 है जो कि नेगेटिव में है। ओके, फिर सेकंड देखेंगे, -42 है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए इक्वल का चिन्ह, ठीक है, इक्वल का चिन्ह है, इसको यहाँ से हटा देंगे हम लोग। जब इसे आप इस साइड ले जाइएगा, ठीक है, 42 को जो आपको यहाँ पर 42 दिखाई दे रहा है, इक्वल किधर है, इस तरह साइड ले जाइए, ठीक है, और ये 42 है और यहाँ पर 14 है, दोनों को इस साइड ले जाइएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको लिख देते हैं, 42 और नीचे अपना 40 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस था, इस तरह माइनस लगा देंगे, फिर दोनों को काट भी सकते हैं, यानी खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो नीचे वाला माइनस है, ये जो 10 है ये माइनस में है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें
चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर हमें आया है, मिला है। तो यहाँ पर 9/9, ओके, और यहाँ पर आया 10/-10, और यहाँ पर क्या है 42/14। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल है, ठीक है, क्या है, नॉट इक्वल है b1/b2 के, यहाँ पर नॉट इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आगे भी बढ़िएगा देखिएगा ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है शुरू वाला से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सो ये क्या करेगा, आपको पता होगा, अतः यह इंटरसेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट हो जाने से हम इसे बोलते हैं कि ये क्या आ गया, संगत है, क्या है, संगत है, इंटरसेक्ट है, यानी कि इसका हल यूनिक है, यूनिक मतलब एक होगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अतः ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, ये हमें क्या मिल चुका है, संगत है, हिंदी वालों के लिए, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।